भारत बंद का असर दिखा मुरादाबाद में भी। महानगर मुरादाबाद में शिवसैनिकों द्वारा कृषि काले कानून के विरोध में आज सोमवार को भारत बंद के आह्वान के चलते मुरादाबाद के द्वारा चौराहे पर जाकर रोड जाम किया एवं सभी शिक्षकों द्वारा सड़क पर धरने पर बैठ गए और भारत बंद के आह्वान के चलते यातायात पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही सीओ सिविल लाइन इंदु सिद्धार्थ और एसडीएम सदर मौके पर पहुंचे और शिव सैनिकों से ज्ञापन लेकर यातायात चालू कराया। आपको बता दें, केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानून के विरोध में किसान सड़कों पर बैठे हैं, जिनके चलते लगातार किसान द्वारा सरकार में कृषि काले कानून वापस लेने के लिए मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों के समर्थन में कई राजनीतिक पार्टियां भी उनका साथ दे रही हैं। इसी के चलते किसानों ने 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया था। इसी कमान के चलते इस सैनिकों द्वारा भी किसानों का साथ देते हुए कृषि काले कानून वापस लेने की मांग को लेकर भारत बंद में किसानों का साथ दिया और एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को भेजा। जानकारी देते हुए सेना प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा ने बताया कि शिव सैनिक लगातार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार कृषि काले कानून वापस नहीं ले लेती, तब तक शिव सैनिक किसानों का साथ नहीं छोड़ेंगे। सुरेंद्र अरोड़ा ने बताया कि वे पूरे प्रदेश में शिक्षा मंत्री के पदाधिकारी जगह जगह किसानों के साथ धरने पर बैठे हैं और भारत बंद के आह्वान को लेकर पुरजोर तरीके से उनके साथ हैं। वहीं जब हमारे संवाददाता ने मुरादाबाद एसडीएम से ज्ञापन के बारे में पूछा तो एसडीएम ने बताया कि शिव सैनिकों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है। संवाददाता द्वारा पूछा गया कि ज्ञापन में क्या क्या बिंदु हैं, जिस पर एसडीएम ने कहा, मुझे पता उसमें क्या क्या पॉइंट हैं, मुझे खुद देखना पड़ेगा। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। आज आप देख रहे हो पूरे देश में भारत बंद का आह्वान है, सड़कों पे किसान उतरा हुआ है। शिवसेना के राष्ट्रीय नेताओं से लेकर के और उत्तर प्रदेश के समस्त नेताओं ने इसका समर्थन किया है। शिवसेना हमेशा समर्थन करती रही है, आज भी शिवसेना ने इस काले कानून को वापस लेने के लिए ज्ञापन दिया कि वो करी है और हाईवे पर बैठ करके शिव सैनिक धरना दे करके किसानों का समर्थन कर रहे हैं। इसी के लिए हम सब लोग बैठे हैं, शिवसेना के समस्त पदाधिकारी इस किसान के काले कानून के विरोध में हैं, इसके लिए धरना दिया शिव सैनिकों ने। अच्छा, जिस तरह से लगातार सरकार से मांग की जा रही है, सरकार नहीं मान रही,
कोई बात नहीं, सरकार जो की लड़ाई अपनी तरह से लड़ रही है और किसानों के साथ समस्त देश लड़ रहा है और शिवसेना पूर्ण रूप से सड़क से लेकर संसद तक लड़ रही है। आपने पहले भी देखा कि शिवसेना के सांसद, शिवसेना के नेता हमेशा सड़कों पर रह करके भी लड़ाई लड़ी है और इस लड़ाई के लिए शिवसैनिक हमेशा तैयार हैं और किसानों के पूर्ण समर्थन में आज शिवसेना भारत भर में पूर्ण समर्थन करके शिवसेना सड़कों पर उतरी है। नहीं, हम लोगों ने बैठ करके धरना दिया, जाम लगाया, किसानों के पक्ष में अपनी बात को रखा और ये ज्ञापन देने के लिए तैयारी करी है। जय भवानी, जय श्री। अरे उन्होंने ज्ञापन दिया है, मैंने रिसीव किया, मैडम ने रिसीव किया है, सीओ मैडम ने, ठीक है, उसको भी पहुंचा देंगे हम। उसमें क्या क्या पॉइंट्स है वो मुझे खुद देखना पड़ेगा। शेरवा धर्मपुर में चल रहा, मैं हम लोग वहीं जा रहे हैं। किस